नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे के बाहर पथराव किया गया था, उस मामले को लेकर जानी माली धमकी देने वाले मुस्लिम जिहादियों के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को नाम SDM ऑफिस के गेट के बाहर पुतला फूंका और कहा कि पाकिस्तान में हो रहे सिख लोगों पर अत्याचार को लेकर सुरक्षा की जाए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख समुदाय के गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल है, वहीं पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर दर्शनार्थ के लिए जो दर्शनार्थी सिख समुदाय के परिवार के लोग जाते हैं भारत से और वहाँ के गए हुए थे, उनको डराने और धमकाने के लिए वहाँ के मुस्लिम मानसिकता जिहादी मानसिकता के लोगों ने वहाँ उस पवित्र स्थल पर पथराव किया और डराने का काम किया कि ये लोग डर जाएं और इस स्थान को छोड़ दें। एक घृणित मानसिकता का परिचायक है। मैं अब वहाँ मैं राष्ट्रपति के द्वारा एक ज्ञापन भेज रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेज रहा हूँ जिसमें मांग करता हूँ कि वहाँ के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको चेतावनी दी, उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इमरान खान को पत्र लिखा जाए वहाँ के प्रधानमंत्री को और कठोर शब्दों में चेतावनी दी जाए कि अगर भविष्य में ऐसी घटना होती है तो हम लोग जो है हमारे भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा, वहाँ के हिंदू और सिख परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिस तरीके से वहाँ का धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है उसको बंद किया जाए, हिंदू और सिख समुदाय के जो धर्म स्थल हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको ये चेतावनी दी जाए कि हम लोग फिर आक्रमण करने के लिए भी तैयार रहेंगे, ऐसी चेतावनी पाकिस्तान को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दी जाए, ऐसा हमने ज्ञापन तैयार किया है जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा।